सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। आज हम आपको लेकर चलते हैं राजपुरा के बिजली बोर्ड, जहां पर कल यानी 16 अक्टूबर को होने जा रहे उद्घाटन समारोह की तैयारियां खूब जोरों पर चल रही हैं। यहां पर कल राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज जी द्वारा राजपुरा इलाके के लोगों को दिवाली के शुभ अवसर पर 3 बड़े तोहफे दिए जाने हैं, जिनमें से राजपुरा के लोगों को आने वाले 20-25 वर्षों तक बिजली कटों से छुटकारा, बिजली बिलों के लिए लाइन में समय बर्बाद करने से बचाव व आधुनिक बिल भरने वाली मशीन जैसी सुविधाओं का उद्घाटन कर बिजली बोर्ड राजपुरा के इतिहास में एक बड़ा काम बनकर सामने आएगा। इस बारे में जब न्यूज 89 के मुख्य संपादक संदीप चौधरी ने अपनी टीम के साथ कल होने वाले उद्घाटन समारोह का जायजा लेने बिजली बोर्ड पहुंचे तो एक बात देखकर बड़ी हैरानी हुई कि राजपुरा के एक्सीएन श्री संदीप गुप्ता रविवार यानी छुट्टी होने के बावजूद भी अपनी टीम के साथ उद्घाटन समारोह में कोई भी कमी न रह जाए उसकी देखरेख में आप लगे हुए नजर आए। इस मौके पर एक्सीएन श्री संदीप गुप्ता ने न्यूज 89 की टीम को कल होने वाले उद्घाटन समारोह के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मैं राजपुरे 4/6/2017 नूं ज्वाइन किया सी। उस तो बाद मान्योग MLA सरदार हरदयाल सिंह कंबोज जी ने मैनू अपने पास बुलाया। मैनू उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी कि एक्शन साहब मैं चाहना भी राजपुरे दे विच बिजली सिस्टम नूं इस तरह की डिवेलपमेंट करो ता जो आने वाले 20-25 सालों के लोगों नूं बिजली दे संबंध में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। उन्होंने कहा आम तौर पर देखा भी लाइनों के लोग खड़े रहने बिल जमा करवाने वास्ते धुप मीह के खड़े रहने भी उसका भी कोई हल कढ़ो ता जो लोग परेशानी आने तो बच सके। मैं उन्होंने गाइडलाइन के मुताबिक चलते हुए इत्थे पूरे पावर सिस्टम रिव्यू किया अपने STOs दे नाल मिलके तो देखिया इत्थे ओवरलोड ट्रांसफार्मर की ओवरलोडिंग चल रही है। उस तो बाद मैं उस चीज़ नूं चीफ मिनिस्टर TS नाल भी टेकअप किया। उन्होंने बेनती की कि साडा इत्थे ट्रांसफार्मर लगाउण दा काम जिहड़ा हैगा वह तेजी नाल किया जाए। उन्होंने सरदार हरदयाल सिंह जी कंबोज MLA साहब बिजली बोर्ड के प्रबंधक भी मैंबर भी रह चुके हैं। उन्होंने भी बिजली बोर्ड के उच्च अधिकारियों को बेनती की कि इन राजपुरे की डिवेलपमेंट लई ट्रांसफार्मर का काम जिहड़ा है वह जल्दी तो जल्दी किया जाए ता जो लोगों को ओवरलोडिंग कारण कट लगदे जिहड़े वह ना लगन। इस दे सदके ही पिछले 2 महीने के विच ही पावर ट्रांसफार्मर का काम दिन रात चलिया ते अज ये ट्रांसफार्मर लग के असी इसका ट्रायल रन कर लिया है। ये कल मिति 16/17 मान्योग MLA हरदयाल श्री हरदयाल सिंह कंबोज जी वालों इसका उद्घाटन किया जाना है। इस दे लगन दे नाल जिहड़ी ओवरलोडिंग कारण कट लगते सी शहर दे विच खास करके गर्मियां दे विच वो लगन तो बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। नंबर 2 जिहड़े बिजली बोर्ड बिजली की सप्लाई जिहड़ी हैगी आ उहदी चंगी वोल्टेज चंगी गुणवत्ता वाली बिजली मिलेगी। तीसरा जे आने वाले 20-25 सालों तक शहर दे विच कोई भी उद्योगिक कनैक्शन कोई भी वड्डा कनैक्शन अप्लाई होएगा तो उसनू रिलीज़ करन दे विच कोई भी अड़चन जो है सिस्टम के कारण वह नहीं आएगी। दूसरा असी लोगों के वलों बिल जमा करवाने वास्ते इत्थे बहुत ही आधुनिक बिल जमा केंद्र तैयार करवाया। उहदे विच टोकन सिस्टम राही बिलों की पेमेंट की जाएगी। कंज्यूमर आएगा टोकन लेगा टोकन लेके बैंचों पर बैठ जाएगा। ये बैंच सरदार हरदयाल सिंह जी कंबोज MLA राजपुरा वालों बिजली बोर्ड में डोनेट किए गए हैं। उन्होंने जिस टाइम भी टोकन का डिस्प्ले सिस्टम लगाया असी वो डिस्प्ले सिस्टम के उत्ते नंबर टोकन नंबर आएगा। कंज्यूमर जिसका भी कंज्यूमर ने बिल भरवाना है तो जिसका नंबर आया वो अपना नंबर तो बेंच से उठ के बिल जमा करवा देगा तो इस तरह ही सिस्टम चलेगा। इस दे नाल ये सिस्टम दे नाल कई तरह के फायदे होने हैं। पहला लोग
ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰਵਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਗੇ। ਤੀਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬਿੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਨਵੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਔਨਲਾਈਨ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਰਜਿਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਲੱਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਲਗਾਇਆ 20 MVA ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ 16/10/17 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 11 ਵਜੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਔਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, News 89। सब्सक्राइब करें News 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।